ताला इसे भी खुशियां नसीब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। तो मैं हूँ बिलाल और ये हैं आपकी फेवरेट आयशा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है लाइव विद बिलाल की। जिस तरह आपने लाइव विद आमना में अम्मी का बर्थडे देखा स्पेशल, जो आमना ने सरप्राइज दिए अम्मी को, अम्मी की विश पूरी की, तो आज एक और विश है जो बिलाल पूरी करने जा रहे हैं अम्मी की। और आप लोगों ने कहा है कि बिलाल और आशा ने अम्मी को कोई गिफ्ट नहीं दिया, आज वो भी आपको पता चलेगा कि बिलाल ने अम्मी को कौन सा गिफ्ट दिया और आशा ने क्या दिया। तो बिलाल आप बताएं, आप अम्मी की कौन सी विश पूरी करने लगे आज? तो ये तो आपको वीडियो के आगे जाके पता लगेगा कि कौन सी विश है, लेकिन बहरहाल आप इधर देखें यहाँ क्या हो रहा है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मरियम सिस अम्मी को तैयार करनी है, जिस तरह आमना ने अम्मी को तैयार किया था उस दिन, आज मरियम सिस करें। मरियम सिस तो ज्यादा अच्छा तैयार करेंगी, क्योंकि आपको पता है मरियम सिस को मेकअप करना बहुत अच्छा आता है, उनको हेयर स्टाइल बनाने आते हैं जी। तो और आप देखा ही होगा उनके चैनल में लाइव विद मरियम रिजवान में, जो पहला चैनल था, पर वो कोई प्रॉब्लम होगी, उन्हें चैनल बंद करना पड़ा। तो फिर उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया जिसका नेम है लाइफ विद मरियम। तो जाएं उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी जाएं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत मेहनत की थी और इनके 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे। तो साथ ही इनके चैनल में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई तो इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया और हिम्मत नहीं हारी। तो आप भी इन्हें अप्रिशिएट करें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, लाइफ विद मरियम। और इनको सपोर्ट भी करें जाके आप, और आप बड़े बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बना सिखाएंगे सिंपल सिंपल से, जो लड़कियां होती हैं जो कहती हैं मरियम से साफ बनाए हेयर स्टाइल। आयशा का बहुत शौक है अपना फैशन दिखाने का। हाँ वो, और क्योंकि मुझे लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए, जो आयशा मोमिना चैनल में जाके देख सकते हैं, मोमिना आयशा एंड मोमिना समर कलेक्शन, तो उसमें आपको ये सब पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ से लिया है। तो यहाँ पर मेकअप कहाँ तक पहुँचा है, तो अब हम चलते हैं। बिलाल बताओ ना, सरप्राइज तुम करो। तो आज ये है कि आज हम अम्मी को उनकी फेवरेट जगह, फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो वो लेके जाएंगे हम कहाँ? तो आज अम्मी को हम लेके जाने एक जबरदस्त रेस्टोरेंट में, जो नया नया खुला है हमारे घर के पास, बहुत जबरदस्त, घर के पास, हाँ, बहुत बड़ा और फेमस रेस्टोरेंट है। तो वहाँ जाके अम्मी को खाना खिलाएंगे, उनकी फेवरेट डिशेस खिलाएंगे, अम्मी ऑर्डर करेंगी, और अम्मी जो ऑर्डर करेंगी वो मतलब कि आएगा। आप लोग शिकायत नहीं, ये बिलाल ऑर्डर करवाता है, कभी आमला कर देती है, आशा कर देती है, मोहन भाभी कर देती है, मैं जो कर देती है, अम्मी को कभी नहीं उन्होंने बोला, अम्मी खुद कहती खुद कर दो ऑर्डर। पर आज जबरदस्ती हम कहेंगे कि अम्मी खुद ऑर्डर करें, क्या खाना है। अम्मी हमेशा कहती है बेटा खुद ही जो तुम लोग खाओगे वो ही मैं खा लूंगी, लेकिन आज जो अम्मी खाएंगी वो हम खाएंगे। अगर उन्होंने फिर ऐसा किया तो लेकिन मटन और बीफ के अलावा वो खा ले चाहे अपना ऑर्डर कर लें, लेकिन हम नहीं, हम चिकन खाएंगे बस। पर मैंने तो कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि कल मैंने जो चैलेंज किया ना वो आशा मामला चैनल में, हॉट विंग्स चैलेंज जो किया, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं खा सकती। हाँ, 50 हॉट विंग्स चैलेंज, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आयशा एंड मोमिना चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? और उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, सबके लिंक मिल जाएंगे, सबके सेल लगी हुई है इस वीडियो के, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल लगी हुई है चैनल की। बिलाल बहुत खुश है आजकल, क्योंकि उसका इंस्टा के हो चुके हैं 10,000 फॉलोअर्स, कम के हो गए हैं। आज इंस्टा की भी करेगा ना प्रमोशन, क्योंकि हो चुके हैं, मेरा इंस्टा भी आपके ऊपर नजर आ रहा होगा, इसको भी जाके फॉलो कर दें, इतनी सी बात है। इंस्टा को भी फॉलो करेंगे, मेरे 10,000 होने वाले हैं। हाँ, मरियम सिस्टर के इंस्टा को फॉलो करें, आयशा के भी कर दें, आशा के 50 कर दें, लालच बढ़ती है, काम नहीं होती। नहीं मैं बता, 50,000 होने वाले हैं, 44,000 हो चुके हुए हैं, तो 50,000 हो जाएंगे तो बस ठीक है, लालच लाओ। तो यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अब मम्मी के बाल बनाने लगी हूँ मैं। हाँ, आज मरियम से हेयर स्टाइल बनाएंगी डिफरेंट। और बिलाल ये तो बताए तुमने अम्मी को गिफ्ट कौन से दिए। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिलाल अम्मी को बहुत से गिफ्ट देता है, लेकिन वो वीडियो नहीं बनाता, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता। आप लोगों ने कहते हैं कि बिलाल ने अम्मी को कोई गिफ्ट नहीं दिया, अम्मी को ये सूट से गिफ्ट दिया है, अभी दिया कुछ दिन पहले। हाँ। और जो अम्मी ने ये इयररिंग्स पहने, ये भी बिलाल ने अम्मी को गिफ्ट दिया था, ये गोल्ड के इयररिंग्स। तो बिलाल बहुत कुछ करता है अम्मी के लिए,
बस आयशा के लिए नहीं करता मैकअप कितनी दफा तो कहा है बिलाल जैसा कोई नहीं भाई मिल सकता कहीं इतना अच्छा भाई है मैं कई बार वीडियो में कहा है इसे तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है बहनें इतनी तारीफ करती हैं तुम्हारी इसलिए तो हमेशा कमेंट्स आते हैं बिलाल जैसा कोई नहीं बिलाल जैसा भाई इतनी तारीफें आती है क्यों आती है आशा करती है तुम्हारी तारीफ मैं करो इतनी तारीफ पीछे पड़ जाएंगे आपने क्या करूंगी आपने क्या करूंगी बिलाल वो पीछे देखो क्या हो रहा है तो ये भी लोग इसमें फैशन भी है फन भी है और खाना पीना भी है और बहुत कुछ है और अम्मी यहाँ मासूम सी चुप करके बैठे हुई है आप लोगों ने कहा है कि अम्मी बहुत मासूम है वाकई बहुत मासूम है तो वो छुपी रहती है वो ना शर्माती है सबसे चलाक आशा है बस सिर्फ आशा ही चलाक है घर में सिर्फ आयशा चलाक है बाकी सब मासूम है तो आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि आयशा को बड़ा आगे आगे रखते हैं हर वीडियोस में हर चीज में लेकिन बात यह है कि आयशा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है तो मतलब कहने का कि बहुत अच्छी है सिस्टर हमारी आमना भी अच्छी है मरियम भी सब अच्छी हैं आयशा भी बहुत ज्यादा अच्छी है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है क्योंकि वो सच बात करती है अगर उसको बुरा लगेगा कहेगा ये बुरा है कहेगी ये बुरा है कहेगा नहीं है ये लड़का नहीं है मुझे अच्छा लगता है मैं सबके वीडियोस में आइडियाज देती हूँ तो आप मैंने भी कमेंट्स पढ़े बिलाल के लोग कहते हैं आशा को आगे रखती है आमना भी आशा को आगे रखती है मैं जो भी आमना एक बात बताऊं जो इंसान अच्छा होता है ना हर कोई फिर उसको आगे रखता है ये एक अच्छे इंसान की निशानी है जो पूरा होगा उसको भी हर बंदा कहेगा पीछे पीछे तो इस वीडियो में बहुत सी चीजें क्लियर होंगी तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा बहुत कुछ जानने का मौका जैसा कि अम्मी को कहां लेके जा रही हैं जैसा कि मरियम सिस्टर का जो चैनल है वो क्यों बंद हुआ उन्होंने न्यू क्यों बनाया जैसा कि आयशा ने मरियम सिस्टर को एक वीडियो में शायद कहा था और ये सब कुछ आज हम क्लियर कर देंगे क्योंकि बिलाल की गलती है तो बिलाल ही क्लियर करेगा सब कुछ तो मैं सॉरी करता हूँ आप सबसे भी सबसे अगर मेरे से गलती हुई हो क्योंकि मैंने वो सीन एडिट नहीं किया था तो मतलब एडिट भी नहीं किया और कुछ ऐसे जो बिहाइंड द सीन था वो भी नहीं पता था कि क्यों कहा था तो आज मरियम सिस्टर भी आई हुई हैं वो क्लियर करेंगी अपनी बात तो चलिए चलते हैं उनके पास आगे मरियम सिस जरा बताएं कि मैंने आपको शटअप क्यों कहा था क्योंकि मरियम सिस ने मुझे बहुत तंग किया था तंग कर छेड़ी थी जैसे जैसे आपस में बहन भाई होते हैं ना छेड़ देते हैं चीज को अच्छा आयशा को ये मतलब ये नहीं था गुस्से में मैंने बोल दिया शटअप क्यों गुस्से में मैं शटअप बोलती हूँ आदत है आदत है कि मुझे गुस्से में शटअप कहती हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता शटअप कहती हूँ सही हो जाती हूँ मसला ये था कि उस दिन आमना मुझे भी रोज ही कहती है अगर गुस्सा अगर मैं तंग करूँ या कुछ भी चीज ऐसे करूँ मतलब कि वो वाला गुस्सा जो मतलब कि मजाक में होता है मजाक में मतलब ज्यादा गुस्सा मुझे आता ही नहीं है वो उसको नहीं आता आयशा वाहिद है जिसको बहुत कम गुस्सा आता है क्योंकि ये अपना गुस्सा उस इंसान को आता है जो अपनी बात अपने दिल में रखता है जो बाहर निकाल देगा उसको क्या गुस्सा जो बाहर निकालता है फिर दूसरे सामने वाले को गुस्सा आता है बात ये थी कि ना उस दिन फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे बाहर तो आमना मेरे साथ नहीं जा रही थी तो मुझे बहुत वो था कि आज मेरे साथ नहीं है तो मैं परेशान थी लॉन्ग ड्राइव पर जाना था लॉन्ग ड्राइव पर हाँ तो फर्स्ट टाइम आमना हमारे उसका लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा जो वीडियो थी जिसमें आयशा ने कहा था शायद जिसने मुझे इसने बदनाम किया था इतनी अच्छी मेरी फॉलोइंग थी जिसने बदनाम किया था मैं सबसे माजरा चाहता हूँ इनसे भी आप सब व्यूअर से भी बदनामी किया था मैंने वीडियो रख दी मैंने कहा शुगर लाया हाँ मजाक है चलो रख देते लेकिन लेकिन असल तो था ना नकली तो नहीं था ये रीजन हाँ रीजन रीजन आज आपको बता दिया इतना तंग किया था यशी तुम ये कर रही है मुझे शौक नहीं था कुकिंग करने का इनके लिए कर रही थी ऊपर से गुस्सा चढ़ा दिया तो इसने मुझे कहा ये भी डाल दो ये डालना भूल गई और मुझे पता था इतना थोड़े से टाइम में सब्जी कहाँ से लेके हुई डाल दो तो मैंने उससे कम इरिटेट हो रही थी मैं मुझे गुस्सा था कि आमना मेरे साथ नहीं है इस वजह से और शादी कैसी है वो कि आमना कल तो मिल के आई तुम आमना से मैं आमना एक दिन ना मिलूं मैं आमना के जी नहीं सकती आमना के बगैर तो आयशा ने क्या किया शट अप आप बताए जरा कि वो आमना तंग किया था उस दिन मुझे छेड़ी थी आयशा को बहुत तंग करी थी बहुत ही ज्यादा से छेड़ रही थी तो आयशा मेरे से छोटी है आयशा ने कह भी दिया तो कुछ कोई बात नहीं और कैसे होता है तो अब हम चलते हैं डिनर करने अम्मी के साथ और आयशा भी साथ चलेंगे
तो चलिए चलते हैं अब हम आज हम अम्मी को डिनर कराएंगे उनकी पसंद का। आज आप ऑर्डर करेंगे, हम नहीं करेंगे, आज अम्मी करेंगे। लेकिन हाँ बीफ बटन हुआ तो फिर आप खुद खा लेंगे, लेकिन हमने नहीं खाना। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं खाना, बस खिलाना है। तो चलिए चलते हैं, आज आज चलिए चलते हैं अब। तो अम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम अम्मी को लेके जा रही हो। अम्मी का कौन सा रेस्टोरेंट है जो फेवरेट है, अम्मी यहाँ बताएं। फेवरेट है मेरे ख्याल बहुत से हैं, लेकिन ये जो नया निकला है ना इसमें चलते हैं। बट कढ़ाई बट कढ़ाई में जाना है। चलो ठीक है, आज अम्मी की फरमाइश पर हम जा रहे हैं बट कढ़ाई रेस्टोरेंट जो पहले टाउन में नहीं था। बिल्कुल अभी नया नया निकला है और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बनाया उन्होंने। आप लोगों को दिखाएंगे कि बट कढ़ाई वाला जो रेस्टोरेंट है कैसा है। सिंपल और आयशा ने भी क्या खाना है? मैंने तो कुछ भी नहीं खाना, मैंने बहुत खाया वैसे हॉट विंग्स। तो मैं जो अम्मी खाएगी वही मैं खाऊंगा, आप भी वही। चलो ठीक है, मैं तो टेस्ट करूंगी। ठीक है अम्मी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके, ये लोकेशन कैसी लगी आपको? क्या लग रहा है, अच्छा बनाया है अम्मी तो आज बहुत चमक रही है। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोग प्यार कर रहे हैं, खुशी से चमक रहे हैं। तो सब कुछ जो ऑर्डर किया था आ चुका है, ये देखें। ये डालो, ये डालो। थैंक यू आयशा, वेलकम। मैं खाने से पहले पानी पीती हूँ और खाने के बीच में पीती हूँ, बाद में नहीं पीती। बाद में बंदा मोटा रहता है। हाँ, अगर अपना पेट कैसे अंदर रहे तो खाना खाने के आधा घंटे के बाद पानी पी, और नॉर्मल वाटर पिए, ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी ना पी। सही, तो बिस्मिल्लाह करके मैं स्टार्ट करती हूँ। आयशा की खुराक चेक करें, इतनी सी बोटी। तो अब मैं खा के बताता हूँ कि कैसा है। अच्छा, आमले का ज़्यादा अच्छा था कि ये? बिल्कुल सेम ही है। सेम है, बिलाल बताएगा। सेम, बिल्कुल सेम। अब अम्मी खा रही हैं बारबेक्यू। जब भी किसी का फंक्शन होता है या किसी की ट्रीट होती है तो आयशा का ट्रीट दे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो खाना पड़ता है चीट दे, ट्रीट नहीं, चीट दे। ट्रीट को चीट बना देती है। मतलब ये है कि किसी का दिल नहीं तोड़ सकती ना, खाना पड़ता है। और डिनर हो चुका है और अब पी जा रही है कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। अम्मी की फेवरेट है स्प्राइट। मीठे में क्या खाना है? जो आप कहीं वो, प्लीज झूठ नहीं बोलना, सच बताना, क्या दिल कर रहा है? सच सच खाना, गुलाब जामुन, रसमलाई, आइसक्रीम। आइसक्रीम आप कहाँ जा रहे हैं बिलाल? हम जा रहे हैं अम्मी की फेवरेट आइसक्रीम खाने। अम्मी तो आइसक्रीम के बगैर रहती नहीं, और आज कहती मैंने नहीं खानी, आज क्या हो गया? आइसक्रीम, आज हम स्वीट क्रीम में नहीं आए, चेंज किए जगह। हाँ, तो अम्मी से पूछते हैं कौन सी खानी है आइसक्रीम। मैंने स्ट्रॉबेरी वाली, स्ट्रॉबेरी वाली, स्ट्रॉबेरी कौन भी आई थी, स्ट्रॉबेरी ओरियो। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो कैसी लगी आपको आइसक्रीम? बहुत अच्छी आइसक्रीम। तो कैसा लगा आपको अम्मी आज? आज का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, तो प्यारा और अच्छा बेटा है, सबकी खुशियों का ख्याल रखता है।
अल्लाह ताला इसे भी खुशियां नसीब करे। आमीन। शुक्र है आयशा ने आमीन कह दिया। मैं तो हमेशा तुम्हें दुआएं दी है इतना तो। अच्छा तो इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लाइफ विद बिलाल चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। जाके क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। बिलाल के इंस्टा को भी फॉलो करें, ऊपर आपको आईडी नजर आ रहा होगा। और लाइफ विद मरियम को भी जाके सब्सक्राइब करें और आयशा लाइफ स्टाइल को भी सब्सक्राइब करें। इन दोनों के चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।